अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं एक अरसा हो गया अपने यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से गायब हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे पहले, और इसी वजह से मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी। और एग्ज़ाम्स के होते होते ही ना हमारी फ़्लाइट का भी कंफर्म हो गया, बिकॉज़ पहले तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि फ़्लाइट का हमारी कब की होगी, कब की मिलेगी। और मोस्टली यही था कि 15 जुलाई के बाद कोई PIA की स्पेशल फ़्लाइट आएगी या फिर नॉर्मल फ़्लाइट जो है ना वो ओपन होगी, तो फिर हम लोग जा सकेंगे। बट अभी फ्राइडे को नाइट में ना हमें पता चला था कि 12 को PIA की फ़्लाइट है, लेकिन वो स्पेशल फ़्लाइट है। लेकिन तब तक भी 95% कंफर्म था, और 5% था कि अभी कंफर्मेशन चाहिए, मंडे तक होगी वो। फ्राइडे नाइट को हमें पता चला था। तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने वहाँ से, हमें मतलब एक आइडिया हो गया ना कि मे बी हो सकती है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो चीज़ें ऑर्डर वगैरह करनी थी, अपनी शॉपिंग करनी थी, मैंने वो शॉपिंग की बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। 3-4 दिन के अंदर अंदर हमने सारी पैकिंग की है और अपनी टिकट्स वगैरह कंफर्म की हैं, सब कुछ किया है। तो खैर अभी मैं जो है ना एक वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सबसे शेयर करने के लिए जिन्होंने भी अभी चाइना से पाकिस्तान ट्रैवल करना है। बिकॉज चाइना में स्टिल जो है फॉरेनर्स की एंट्री बैन है, और आई थिंक अक्टूबर तक ऐसे ही बैन रहेगी। तो हम लोग PIA स्पेशल फ्लाइट से जा रहे हैं पाकिस्तान। और दूसरी मुझे ये शेयर करना था कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी जाना है जुलाई में अगस्त में, तो उनको जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं ट्रैवलिंग के लिए, मैंने सोचा कि मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूं। और अभी मतलब रिसेंट जो अपडेट्स हैं मेरी लाइफ की वो भी इस वीडियो में शेयर कर दूं। और रिमेनिंग जो मेरे ट्रैवलिंग के व्लॉग्स हैं और जितने भी व्लॉग्स हैं ना, वो इंशाल्लाह फिर मैं घर जाने के बाद अपलोड करूँगी। मैं वीडियो बना रही हूँ और उसने लाइट्स ऑफ कर दी हैं रिसेप्शन वाली ने, और तो ये अंधेरा हो गया। देखें अब मुझे क्या करना चाहिए। चले मैं अपनी जगह चेंज करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी इसने लाइट्स ऑफ कर दी है, तो मैं यहाँ पे साइड पे आके खड़ी हो गई हूँ। मैं खड़े होकर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं क्या बात कर रही थी वैसे? हाँ जी, मेरी अपडेट यही है कि मैं अभी पाकिस्तान जा रही हूँ, और मेरे साथ, मैं अकेली गर्ल्स में से सिर्फ मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में, और मेरे साथ है मेरे 5 और क्लासमेट्स हैं। और अभी हम लोग 3 जो हैं वो थिएंचिन पहुँच चुके हैं। एक्चुअली हमारी फ़्लाइट बीजिंग से थी, बट ऑल ऑफ सडन जो है ना उन्होंने लोकेशन चेंज कर दी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, कि बीजिंग से अभी बंद है। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली आई थिंक 15 डेज़ पहले या 20 डेज़ पहले वहाँ पे कुछ न्यू केसेस हुए थे, तो इसीलिए बीजिंग अभी क्लोज है। खैर अभी हम लोग यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन करवाई थी, हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था। और जो दूसरे 3 स्टूडेंट्स हैं वो लोग बाय एयर आए हैं, और उनके पास वेट इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट में 20 kg वेट अलाउ होता है। तो इसीलिए हम लोग नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारे पास 60 या 70 kg मेरे पास तो वेट था। बल्कि क्योंकि हमारी जो टिकट हुई है ना वो इकोनॉमी प्लस हुई है, और उसमें हमें 60 kg ऑलमोस्ट अलाउ है, 50 kg बड़ा लगेज अलाउ है, और 7 kg हैंड कैरी। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी फ़्लाइट इतनी एक्सपेंसिव हो ही गई है, और तो मैं क्यों ना मतलब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो सब लेके जाऊं। तो जितनी मेरी चीज़ें थी, बुक्स थी, मेरे कपड़े थे, मैं वो सब कुछ पैक करके ले आई हूँ। और सफ़र भी हमारा अच्छा गुजर गया। इस वक्त मैं थिएंचिन में हूँ, और इंशाल्लाह मेरी टाइमिंग भी उन्होंने चेंज कर दी थी, कल रात को 9 बजे मेरी फ़्लाइट है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो अभी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आप लोगों से वो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को अपना, अगर आप लोग चाइना से पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपना कोरोना का टेस्ट लाजमी करवा के निकलना है। हम लोग कन्फर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली थी 2-3 लोगों से कि हमें कन्फर्म पता चल जाए ना कि रिक्वायर्ड है या नहीं। तो जिनसे हमने पूछा था उन्होंने यही कहा था कि रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोग ना करवाएं। बट हमने फिर भी करवा लिया, बिकॉज हमें पता है कि चाइनीज़ का जो है ना कोई भरोसा नहीं है, इन्हें कोई बात समझ नहीं आती। तो हमने अपना काम ऑथेंटिक करने के लिए ना, बिल्कुल 100% करने के लिए हमने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया सबसे पहले। उसके बाद जो हमारी फ़्लाइट की बुकिंग हुई है उसके लिए हम लोगों ने एम्बेसी में कहीं भी रजिस्टर नहीं करवाया था, हम लोगों ने अपने एजेंट्स के थ्रू करवाई है सबने।
और थर्ड चीज़ ये कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से जब निकलें तो आप लोग वापस नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी से एक दफ़ा, क्योंकि अभी आपको पता है हम लोग यूनिवर्सिटी में सब लोग स्टिल लॉकडाउन है। तो आप लोग जब यूनिवर्सिटी से निकलें ना तो अपनी मतलब 100% सारे काम करवा के निकलें। उससे पहले अगर आप लोग निकलते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, या कोई फ्लाइट वगैरह डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, तो उस टाइम पे आप लोग वापस यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। तो फ्लाइट अभी यहाँ पे चाइना के लिए ना कोई भी फ्लाइट्स नहीं है, जो 100% वाली बात है ना, अभी यहाँ के लिए कोई भी फ्लाइट्स नहीं है, कोई पैसेंजर फ्लाइट चाइना में अलाउ नहीं है। तो PIA ही इस वक्त अगर आप लोगों को स्पेशल फ़्लाइट मिलती है और आप लोगों ने चाइना से पाकिस्तान लाजमी ट्रैवल करना है तो आप लोग अपनी टिकट करवा लीजिए। और मतलब मेरी तो इंटर्नशिप थी और मुझे लाजमी जाना था घर, तो इसीलिए मैंने इतनी अर्जेंट में करवाई है। और मेरी टिकट हुई है 1,85,000 की इकोनॉमी प्लस की PIA की, और नॉर्मल जो इकोनॉमी की हो रही है वो भी 1,40,000 की हो रही है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई, दूसरी ये कि कोरोना के टेस्ट की, थर्ड ये कि आप लोग मतलब मैंने जैसे कि शेयर किया कि आप लोग 100% जब आप लोगों का कंफर्म हो जाए ना सारी चीज़ों का, तो तब आप लोग यूनिवर्सिटी से निकलिए। उससे पहले अगर आप लोग निकल जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में आना अलाउ नहीं होता, और फिर वो मतलब जलालत होती है। तो फोर्थ चीज़ ये है कि किसी भी, अभी यहाँ पे एयर चाइना की भी फ़्लाइट्स वगैरह ओपन है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो अगर मतलब ये ना हो कि आप लोगों के साथ कोई चीटिंग हो जाए या कुछ भी, तो एयर चाइना की फ़्लाइट्स ओपन है पाकिस्तान के लिए, बट वो पैसेंजर फ़्लाइट नहीं है। चाइना से पाकिस्तान वो कार्गो है, और पाकिस्तान से जो चाइना आ रहे हैं ना उसमें पैसेंजर्स आते हैं, अब तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट नो कि अब ये कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन मुझे ये 100% कन्फर्म है कि चाइना से जो पाकिस्तान जा रही है वो फ़्लाइट, उसमें पैसेंजर्स अलाउ नहीं है, वो सिर्फ कार्गो। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेरी ये बात। और बाकी जो एयरलाइंस है ना, कतर एयरवे और एमिरेट्स और दो तीन और एयरलाइंस हैं, इनका भी सब कह रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोगों को PIA मिलती है ना तो आप PIA में जाइए, और अगर आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अदरवाइज़ आप लोग अभी ट्रैवल ना करें। और अगर ट्रैवल करना ही है, मतलब जिस तरह से मेरी मजबूरी थी जाना कि मैंने इंटर्नशिप करनी है, तो आप लोगों का भी इसी तरह का ही कोई सीन है, तो फिर आप लोग PIA से ही जाइए, किसी और फ्लाइट पे ट्रस्ट नहीं कीजिए। क्योंकि इस वक्त पूरे ओवरऑल दुनिया में आपको पता ही है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो कनेक्टेड फ़्लाइट का जो है ना बहुत ज़्यादा मसला होगा, तो इसीलिए आप लोग कनेक्टेड फ़्लाइट से बचें। और जो है ना डायरेक्ट फ़्लाइट, मतलब जो PIA है वो हमारी ऑथेंटिक फ़्लाइट है, और जिसकी उसमें बुकिंग हो गई वो पाकिस्तान लाजमी जाएगा, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। एंड फिफ्थ थिंग के हमें एक फॉर्म फिल करना है इस्लामाबाद में, वो रिक्वायर्ड है। उसके लिए मैंने अभी वो देखा नहीं है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बट ये है कि वो फॉर्म हमें फिल करना है, वो हेल्थ के अकॉर्डिंग ही है। हमें अपना अपना टेम्परेचर लिखना है, और सारी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है हमारी वो बतानी है, और मतलब ये सारा कुछ फिल करना है। तो पाकिस्तान के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो जस्ट वो हमारा हेल्थ कार्ड होगा, जो कि हम लोग PIA की जो टिकट हमने बुक करवाई है ना उसी की ही वेबसाइट से ऑनलाइन हम लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी टिकट अपने एजेंट से कराई है, तो मुझे मेरे एजेंट ने सेंड कर दिया वो फॉर्म, तो वो मैं इंशाल्लाह फिल कर लूँगी। और ये सब हो गया, और फोर्थ, ये फिफ्थ, पांच चीज़ें हो गया, आई मीन सॉरी। तो सिक्स ये कि यस, यहाँ के हालात की बात कर लेते हैं कि यहाँ के हालात, अभी मैं रिसेप्शन पे नीचे ही खड़ी हुई हूँ होटल के, और यहाँ मेरे आसपास कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं रिलैक्स होके मास्क के बगैर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट अभी जो मेरा ट्रैवलिंग का टाइम है ना, जो अभी मैं ट्रैवल करके आई हूँ, वो ऑलमोस्ट मैं करके आई हूँ 50 आवर्स की ट्रैवलिंग करके आई हूँ। 50 आवर्स की इस तरह से कि मेरी ट्रेन थी थर्सडे को शाम में, सॉरी यहाँ पे रिसेप्शन पे शोर हो रहा है तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। तो मेरी फर्स्ट ट्रेन थी थर्सडे को बाइसा से नैनिंग, और नैनिंग से फिर मैंने मेरी ट्रेन थी नैनिंग से थियनचिंग की, जो कि 40 आवर्स की थी, लेकिन वो 4 आवर्स लेट हो गई थी फर्स्ट थिंग। और सेकंड ये कि हम लोग जब यहाँ थियनचिंग में पहुँचे, तो इससे पहले कभी भी हम लोगों ने थियनचिंग से ट्रैवल नहीं किया था, बीजिंग से और गुआंगझो से ही किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमें ट्रेन स्टेशन से निकलने के बाद होटल वगैरह ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, और
तो इसीलिए अब मैंने सारा कुछ काउंट करके ना मेरी ये वाली ट्रेन मैंने कहा है कि 50 आवर्स की है। वैसे 44 आवर्स की ट्रेन थी और जो पहले वाली ट्रेन थी वो मेरी 1.5 आवर की थी। तो ये था मेरा सारा ट्रैवलिंग का जो भी मतलब अब तक का एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो 50 आवर्स वाली ट्रेन थी वो स्लीपर करवाई थी। तो मेरे वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैंने शेयर की हुई है, वो मैंने फुल व्लॉग बनाया है, लेकिन वो मैं घर जाने के बाद अपलोड करूँगी तो आप लोग तब देखेंगे। तो अभी क्योंकि यस लास्ट थिंग ये है कि अभी 22 को भी इंशाल्लाह फ़्लाइट है PIA की, और वो कन्फर्म हो चुका है, काफ़ी एजेंट्स वगैरह से सबसे कन्फर्म हो गया कि 22 को भी फ़्लाइट है। तो अगर आप में से किसी ने भी ट्रैवल करना है तो वो जैना PIA की उसमें फ़्लाइट में बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और तो आप लोग अपना अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस सिटी में, आपने कहाँ तक ट्रैवल करना है, तो वो सब कुछ देख के फिर आप लोग ट्रैवल कीजिएगा। और मैं ये अभी जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मतलब मैं अभी शाम को ही रात को ही अपलोड कर दूँ और जिनको भी ट्रैवल करना है उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी मेरी, और बाकी मेरी जो ट्रैवलिंग की वीडियो है और जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह मैं घर जाने के बाद सारा अपलोड करूँगी, और उससे पहले के भी मेरे सारे व्लॉग्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो यस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं घर भी खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो सी यू, अल्लाह हाफिज़।